हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज कराने वाले हैं माय मदर एट 66 का पार्ट टू का जो क्वेश्चन आंसर है वो करने वाले हैं। देखिए यहां पर है स्टेंजा टू, और पार्ट वन का जो स्टेंजा वन है उसका क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा वो वाला वीडियो। चार पाँच क्वेश्चन वहाँ पर है, और ये होगा आपका सेकेंड पार्ट, और यही हमारा लास्ट पार्ट होगा इस पॉइंट का। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि बीएस ट्यूशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले और कमेंट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू ईयर्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड स्पेयर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड। तो नीचे देखिए यहाँ पर इसका वर्ड मीनिंग दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन आता ही ये वाला। तो देखिए वर्ड मीनिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी चेक मतलब रूटीन सिक्योरिटी चेक आप एट द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर आम सुरक्षा जांच, ठीक है, नॉर्मली जो जांच होते हैं। हार यहाँ पर हार का मतलब मादर को बताया गया है, और वैन का मतलब होता है कलरलेस बिवर्न या फिर फीका। पेल यहाँ पर इसका मतलब है फेडेड यलिश पांडू बिवर्न कलरलेस हो जाना, ठीक है। फेमिलियर का मतलब है वेल नोन मतलब जानी पहचानी। एक का मतलब होता है पेंस और डीप पेन मतलब पीरा, ठीक है, पेन पीरा, ओके। तो यहाँ पर बताया गया कि जब सिक्योरिटी चेक हो गया था एयरपोर्ट पर, तब दूर से, ठीक है, दूर से माँ का चेहरा जो था वो लेट विंटर मून जैसा लग रहा था, ठीक है, और पोइटिस को एक फेमिलियर एक जानी पहचानी से एक डर सा महसूस हुआ, जो कि चाइल्डहुड का डर था कि माँ खो जाएगी, माँ दूर हो जाएगी, एक दिन मर जाएगी, ये जो डर है वो डर आ रही थी पोइट्रिस के मन में। और दूर से सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद दूर से बस एक ही बात कही कि सी यू सून अम्मा और स्माइल की, ठीक है। तो चलो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाउ वेयर द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब भागना दौड़ना, जो यंग ट्रीज थे छोटे छोटे जो यंग ट्रीज जो थे वो कैसे भाग रहे थे। आंसर है एज द कार मूव्ड ऑन, जब गाड़ी शुरू हुई चली, द यंग ट्रीज ग्रोइंग आउटसाइड वेंट पास्ट, ऐसा लग रहा था कि जो पेड़ था ट्रीज थे वो धीरे धीरे पीछे जा रहे थे, भाग रहे थे, एज इफ दे वेयर स्प्रिंटिंग, ऐसा लग रहा था दौड़ रहे थे। ऐसा होते हैं ना जब आप गाड़ी में होते हो तो जो पेड़ होते हैं वो पीछे की तरफ जाते हैं, भाग रहे होते हैं, तो ऐसा महसूस हुआ, जो कि एक एनर्जेटिक थे, यंग थे, जो आउटसाइड वर्ल्ड थे वो यंग लग रहे थे, एनर्जेटिक लग रहे थे एज़ कम्पेयर टू इनसाइड द कार, ओके। इनसाइड द कार वो वहाँ पर क्या था, उसकी मम्मी थी जो कि एकदम एनर्जी लेस थी, कलरलेस एज़ कम्पेयर टू डेड बॉडी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी व्हाट डिड शी सी द चिल्ड्रेन डूइंग, उन्होंने पोइटिस ने बाहर बच्चे को क्या करते हुए देखी। द हैप्पी चिल्ड्रेन वेयर मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स इन लार्ज नंबर्स, वो क्या देखी कि जो बच्चे हैं अपने अपने घर से वो खेल कूदते हुए, ठीक है, बाहर आ रहे थे ग्रुप में, अकेला नहीं ग्रुप ग्रुप में अपने घर से वो नाचते हुए, ठीक है, जंप करते हुए अपने घर से आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक होने के बाद पोएटिस ने क्या की। आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप द पोएट स्टूड ए फ्यू ईयर्स अवे, कई दूर पर खड़ा था और एंड लुक्ड एट हर मदर्स फेस अगेन, और अपने माँ के चेहरे पर देखती रही और हंसती रही, शी स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, और एक बात कही ना सी यू सून अम्मा, ऐसा कही। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे जो ये जो आंसर है ज़्यादा ही छोटा छोटा है, क्योंकि एक एक मार्क का है, बस वन वन नंबर का है, इस वजह से छोटा छोटा है। दो मार्क अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। डी नंबर, वाई डिड द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू ए लेट विंटर्स मून, अपने माता जी का जो चेहरा है वो लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया गया, ठंडे मौसम के जो चंद्रमा होते हैं कैसे फीका फीका सा लगते हैं उसके साथ कंपेयर किया गया है, क्यों, जो कि एक मार्क का आंसर होगा। तो छोटा करके लिखा देखो, द लेट विंटर्स मून लैक्स ब्राइटनेस, जो ठंडे के मौसम में जो चंद्रमा होते हैं वो क्या होते हैं, उसका ब्राइटनेस एकदम कम होता है, फीका फीका सा होते हैं, एज वेल एज स्ट्रेंथ, और उसका जो शक्ति है वो भी कम होता है, उसका एनर्जी में थोड़ा सा टीकापन दिखाई देता है। द पेल एंड कलरलेस मदर्स फेस रिजेंबल्स द लेट विंटर्स मून, और उसी तरह जो माता जी का जो चेहरा था एकदम कमज़ोर सा था, कलरलेस था, एकदम बिल्कुल लेट विंटर मून की तरह, इस वजह से कंपेयर किया गया है। उसके बाद लास्ट है, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा यहाँ पर देखिए दिया गया है कि
BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, हमारा सब्सक्राइबर बनिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कोई भी PDF अगर आपको चाहिए, ये वाला PDF, पहला वाला PDF, कोई क्लास 11 12 का अगर PDF चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप BS ट्यूशन क्लासेस में वो मिल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज हुइस मीन, आपको वर्ड निकालना है। यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है आपके पोएम में से, जो स्टैंजा दिया गया है उनमें से ढूंढ ढूंढ के वर्ड निकालना है। तो मीनिंग है रनिंग फास्ट, जल्दी जल्दी दौड़ना, हैप्पी और कलरलेस, इसका वर्ड मैंने यहाँ से निकाला है। रनिंग फास्ट का मतलब होता है स्प्रिंटिंग, हैप्पी ये मीनिंग है और इसका वर्ड है मैरी, कलरलेस और इसका एक वर्ड है अंदर, वो है वैन। समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो नेक्स्ट वर्ड हमारा होगा कीपिंग क्वाइट का, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।